नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अजने करियर एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिशरी के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें इस लेक्चर में आज कवर करेंगे हम कि फिशेस की जो लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल में उसकी लाइफ स्टेजेस कौन सी होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं और ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इसलिए इस वीडियो को आप क्या कीजिए, शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए, तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम क्या देखने वाले हैं, फिशरी के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें फिश मालूम होना चाहिए। ये जो फिश होती है, ये फिश कहाँ पर रहती है? ऑब्वियसली पानी में रहती है। इसका मतलब ये है कि फिश क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है। क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है। अगर फिश को पानी से बाहर अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगी। आपने बचपन में पोयम सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि फिश इज एक्वेटिक एनिमल। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होती है, जैसे कि हम आदमी होते हैं, हमें आदमी को क्या होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये पीछे वाली, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। इसलिए हम क्या बहुत आदमी की यानी कि मानव यानी कि मैन क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। उसी तरह हमें क्या है, हमें एक स्केलेटन सिस्टम है। क्या है? हमें स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियां है, एक उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। तो एक स्केलेटन सिस्टम है, उसमें एक स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि रीढ़ की हड्डी है। उसी तरह हमारी जो फिशेस होती है, इस फिशेस को भी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि क्या होती है, एक स्केलेटन सिस्टम होती है। ये देखिए, आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि फिश को क्या होती है, एक स्केलेटन सिस्टम होती है। और जो बीच की जो आपको देख रही है, ये क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी। जैसे आदमी को रीढ़ की हड्डी, वैसी उसको यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसलिए यानी कि एक फिश क्या हो गई, इसका मतलब फिश हो गई वर्टिब्रेट्स की हो गई, क्योंकि इसको एक रीढ़ की हड्डी है। इसलिए अगर हमें किसी ने पूछा कि फिश का मतलब क्या है, तो फिश हम करेंगे कि एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स है। क्या? फिश आर एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स। अब इसको क्या क्या होते हैं, जैसे आदमी को क्या होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, आंख होती है, उसी तरह हमारी जो फिशेस होती है, फिश को क्या होता है, सबसे पहले तो खाने के लिए माउथ होता है, उसके बाद गिल्स होती है। अब गिल्स किसके लिए होते हैं, डायग्राम में देख रहे हो आप गिल्स कहाँ पर है। तो गिल्स होते हैं फिश को, जब वो पानी में तैरती है तो पानी में उसको जो सांस लेना होता है यानी कि ऑक्सीजन का इंटेक करना होता है, इसलिए उसके ऊपर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गिल्स किसके लिए है फिश के, तो गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपको पेयर फिन्स मिलेंगे फिश में। ये देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, फिन्स डॉर्सल फिन है, उसके बाद एनल फिन है, ऐसे क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। अब फिन्स किस लिए होते हैं, जैसे आदमी को पैर होते हैं, पेयर्स में होते हैं, हैंड्स होते हैं, पेयर्स में होते हैं। अब पेयर्स किसके लिए होते हैं, आदमी को ऑब्वियसली चलने के लिए होते हैं। सेम हेयर, फिन्स आर फॉर स्विमिंग, यानी कि जो मछली पानी में तैरती है, उस किस वजह से तैरती है, तो उसको तैरने के लिए हेल्प किया जाता है हमारे फिन्स के द्वारा। यानी कि जो मछली पर पेयर फिन्स होते हैं, ये फिन्स किस लिए यूज किए जाते हैं, तो मछली को पानी में तैरने के लिए उसको यूज किया जाता है। और सारे के सारे अगर फिश की बॉडी देखेंगे हम, तो ये कवर है, किससे कवर है, तो ये कवर है स्केल से। ये देखिए, छोटे छोटे स्केल है, तो सब फिशली के जो हमारी मछली है, इस मछली के ऊपर क्या है, सभी के सभी स्केल्स है। यानी कि हम एक ही वर्ड में अगर बोलेंगे, यानी कि एक ही लाइन में अगर बोलेंगे फिश क्या है, तो फिश इज एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैविंग गिल्स, पेयर फिन्स, उसके बाद बॉडी इज कवर विथ स्केल, यानी कि स्केली बॉडी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिश जो होती है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। जैसे कि हम आदमी कैसे है, वार्म ब्लडेड है। अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उस दिन आपका शरीर आपको महसूस होगा कि ठंडा है, लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा यानी कि ठंडा होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी गर्म है, यानी कि हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। लेकिन फिश के बारे में क्या है, तो फिश इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो आपको फिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी।
आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आई होगी। तो क्या फिश इज एक्वेटिक वर्टिब्रेट हैविंग गिल्स पेयर फिन्स एंड बॉडी इज कवर विथ स्केल एंड फाइनली द फिश इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये क्या हो गई हमारी फिश हो गई, ये फिश के बारे में हमने जाना। अब ये जो फिश होती है इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, यानी कि इस लाइफ साइकिल में हमें मालूम होना चाहिए कि किस स्टेज से ये फिश गुजरती है। तो फिश के बारे में देखेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ये जो 5 स्टेजेस है जैसे कि हैचलिंग है, स्पॉन है, फ्राई स्टेज है, फिंगरलिंग है, उसके बाद अगर देखेंगे तो एयरलिंग है। ये सभी के सभी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए अब यहाँ से जो भी लाइफ स्टेज होगी वो आपको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको मालूम होता है कि जो फिश होती है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है क्या? तो नहीं। तो ये क्या करती है, सबसे पहले अंडे यानी कि एग्स प्रोड्यूस करती है। जो फिश एग प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या होता है, उसका हैचिंग होता है। हैचिंग होता है जैसे कि हमारे पोल्ट्री फार्म होते हैं उसमें कैसा एग से हैचिंग होकर चूचे बाहर निकलते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर फिश जो होती है उसकी हैचिंग होती है। यानी कि जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं वो इमर्ज होते हैं इस एग से, एंड इस हैचिंग से जो इमर्ज होने वाले छोटे छोटे लार्वा होते हैं इसी स्टेज को हम कहते हैं हैचिंग स्टेज। यानी कि लार्वा इज इमर्ज और लार्वा इज इमर्जिंग फ्रॉम एग्स एंड आफ्टर द हैचिंग दिस स्टेज इज नोन एज हैचलिंग स्टेज। यानी कि हैचिंग होने के बाद जो छोटे छोटे लार्वा तैयार हो रहे हैं उस छोटे छोटे लार्वा को हम क्या कहते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, हैचलिंग स्टेज कहते हैं। और हैचलिंग स्टेज होने के बाद यानी कि हैचलिंग स्टेज होने के बाद क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो फिश होती है छोटे छोटे लार्वा होते उसमें माउथ पार्ट नहीं होते। माउथ पार्ट ना होने के कारण क्या होता है, माउथ पार्ट ना होने के कारण उसको जो खाना इंटेक करना होता है वो खाना इंटेक कहाँ से करते हैं, तो उनके शरीर में जो निचले वाला भाग होता है तो निचले वाले भाग में यॉक सैक होती है, उस यॉक सैक से क्या करती है वो फूड का इंटेक करती है। यानी कि डायरेक्टली माउथ पार्ट का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मछलियाँ है इसको हम क्या कहेंगे, लार्वा कहेंगे। उस लार्वा में जो छोटे छोटे येलो कलर के जो आपको सैक दिख रहे हैं येलो सैक यानी कि यॉक सैक, तो इसी यॉक सैक से क्या किया जाता है, जो फिश होती है उसका फूड इंटेक करती है। और ये लगभग क्या होता है, ये लगभग 2 से 3 दिन तक स्टेज चलती है। क्या जो लार्वा स्टेज होती है यानी कि हैचलिंग स्टेज होती है, हैचिंग होने के बाद 2 से 3 दिन तक आपको यानी कि उस फिश को क्या जो भी फूड मिल रहा होगा वो फूड कहाँ से मिलता है, तो इस यॉक सैक से मिलता है। अब इस यॉक सैक के बाद क्या होता है, यानी कि इस जो हमारी स्टेज है हैचलिंग, हैचलिंग स्टेज यानी कि 2 से 3 दिन कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट स्टेज में चली जाती है, उस नेक्स्ट स्टेज को हम कहते हैं स्पॉन। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्पॉन, तो स्पॉन में क्या होता है, जो यॉक सैक जो थी हैचलिंग स्टेज में उस यॉक सैक को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अब ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, उस स्टेज में जो फिश होती है उस फिश को माउथ पार्ट फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि माउथ पार्ट इज फॉर्म इन द स्टेज ऑफ स्पॉन। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो क्या करती है, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसको क्या करते हैं, खाना शुरू कर देती है। यानी कि स्टार्ट टेकिंग स्मॉल जू प्लैंक्टॉन्स, क्या स्टार्ट टेकिंग स्मॉल जू प्लैंक्टॉन, किस स्टेज में वो स्मॉल जू प्लैंक्टॉन लेना शुरू कर देती है, तो वो करती है स्पॉन स्टेज में। अब आपको समझ में आ गया, हैचलिंग स्टेज में माउथ पार्ट नहीं था लेकिन फीडिंग होती थी यॉर्क सैक से, लेकिन जब 2 से 3 दिन के बाद जब स्पॉन स्टेज स्टार्ट होगी तो उस स्पॉन स्टेज में क्या होता है, माउथ पार्ट स्टार्ट होगा और फिर स्टार्ट करेगी स्मॉल जू प्लैंक्टॉन को खाने को। यानी कि टेकिंग स्मॉल जू प्लैंक्टॉन स्टार्ट व्हेन द माउथ पार्ट इज फ्रॉम एंड हिज माउथ पार्ट इज फ्रॉम इन द स्टेज ऑफ स्पॉन। अब इसके बाद जो स्टेज आती है, अब ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है फ्राई स्टेज। अब ये जो फ्राई स्टेज है, इस फ्राई स्टेज में क्या होता है, अब तक जो फिश थी इस फिश को यानी कि फिश का शेप नहीं आया था, लेकिन फ्राई स्टेज में क्या होता है, फिश का फिश स्टेज आता है। यानी कि व्हेन स्पॉन स्टेज
assume the shape of fish, then it is known as the fry stage. And लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक फिश बढ़ जाती है और इसी को क्या कहते हैं फ्राई स्टेज. यानी कि स्वान स्टेज में जब फिश थी तब वो फिश का अपियरेंस नहीं था, उसको शेप नहीं था, लेकिन 1 से 2 सेंटीमीटर तक जब बढ़ जाएगी, 1 से 2 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं कि लगभग इतना हो जाएगा, कितना सिर्फ इतना, यानी कि 1 से 2 सेंटीमीटर हो गया, तो इस 1 से 2 सेंटीमीटर स्टेज वाली को क्या कहेंगे हम, फ्राई स्टेज कहेंगे. और किस स्टेज से आई है, तो स्वान स्टेज से आई है. यानी कि अब फिश का अपियरेंस उसको आ गया, फिश का शेप उसको आ गया, और लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं, यानी कि 7 से 10 दिन लगते हैं उसको फ्राई स्टेज बनने में. यानी कि जो हैचलिंग स्टेज थी 2 से 3 दिन के बाद क्या बनी, स्पॉन्ज स्टेज बनी थी. अब ये स्पॉन्ज स्टेज है 7 से 8 दिन में क्या बनी, बन गई है हमारी फ्राई स्टेज बन गई. अब फ्राई स्टेज बनने के बाद अब क्या आपको मालूम होना चाहिए कि फ्राई स्टेज में उसकी साइज कितनी है, सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर तक है. अब इस स्टेज से वो इंटर करेगी नेक्स्ट स्टेज में, और उस नेक्स्ट स्टेज को बोलेंगे हम फिंगरलिंग स्टेज. मतलब क्या होता है, एज सून एज द ग्रो अप द फिश ग्रो अप टू द 10 से 15 सेंटीमीटर इन साइज. क्या 10 से 15 सेंटीमीटर इन साइज, और रफली वी कैन से इक्वल टू द 1 फिंगर. क्या इक्वल टू द फिंगर, यानी कि आप रफली हम ये भी कह सकते हैं कि फिंगर की साइज की जब फिश बन जाती है तब उसको फिंगरलिंग स्टेज कहते हैं. या फिर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 10 से 15 सेंटीमीटर की साइज की जब फिश बन जाती है आफ्टर फ्राई स्टेज, तब उसको क्या कहते हैं, फिंगरलिंग स्टेज कहते हैं. और ये जो फिंगरलिंग स्टेज है, इस फिंगरलिंग स्टेज को आप देख रहे होंगे कि ये फिंगर, एक रफली आइडिया मिलती है आपको एक फिंगर की, लगभग ये 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन एक रफली आइडिया दी जाती है कि जब स्टेज फिंगरलिंग स्टेज क्या होती है कि एक फिंगर की साइज तक क्या बढ़ जाती है, फिश की साइज बढ़ जाती है. या फिर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 10 से 15 सेंटीमीटर तक जब फिश की साइज बढ़ जाती है तब उसको फिंगरलिंग स्टेज कहते हैं. और इस फिंगरलिंग स्टेज में वो लगभग कितने दिन तक रहती है, तो वो लगभग 30 से 36 डे तक रहती है. यानी फिंगरलिंग स्टेज रिमेन अप टू 30 से 36 डे. यानी 36 डे तक क्या आपको फिंगरलिंग स्टेज मिलेंगी. और ये जो फिंगरलिंग स्टेज है, इट इज द प्रॉपर साइज फॉर स्टॉकिंग इन टेबल फिश प्रोडक्शन. क्या आपको जो टेबल फिश प्रोडक्शन करते हैं इसके लिए जो स्टॉक होता है, इस स्टॉक के लिए प्रॉपर साइज है. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्टॉकिंग के लिए कौन सी स्टेज से फर्स्ट मछली ली जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टॉकिंग स्टेज होती है, यानी कि स्टॉकिंग करनी होगी आपको टेबल प्रोडक्शन के लिए, तब फिंगरलिंग स्टेज से मछली उठाई जाती है. यानी कि क्या, स्टॉकिंग के लिए फिंगरलिंग स्टेज आपको मालूम होनी चाहिए. उसके बाद जो होता है वो लास्ट स्टेज आती है फिश की, तो वो लास्ट स्टेज क्या होती है, तो लास्ट स्टेज होती है फिश की, उसका नाम है एयरलिंग. और इस एयरलिंग स्टेज में क्या लगभग 7 से 8 महीने या फिर रफली कहेंगे तो 1 साल तक क्या इस फिश को रखा जाता है. वो जो बैच होती है फिश की, उस फिश की बैच को 1 साल तक या फिर 7 से 8 महीने तक रखा जाता है. और उस 7 से 8 महीने में क्या होती है, वो मैच्योर हो जाती है. और क्या किया जाता है उसके बाद उसको पानी में से निकाल कर प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसका कंजप्शन किया जाता है, या फिर कोई इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है. जो जिसके लिए उस मछली को पाला गया है, उस पर्पस के लिए, उस पर्पस को आफ्टर 7 से 10 और फिर 7 से 8 मंथ के बाद यूज किया जाता है. रफली अगर बोलेंगे तो क्या 1 साल के बाद उसे यूज किया जाता है. तो आपको अब मोटी मोटी एक आइडिया आई होगी कि फिश की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है. सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्स होते हैं फिश के, फिश के एग्स होने के बाद उसमें क्या होती है, हैचिंग होती है. हैचिंग होने के बाद क्या होता है, स्पॉन फॉर्म होते हैं. स्पॉन फॉर्म होने के बाद क्या होता है, आपको फ्राई मिलता है. फ्राई मिलने के बाद, फ्राई स्टेज के बाद आपको फिंगरलिंग स्टेज मिलती है. फिंगरलिंग स्टेज के बाद आपको देखने को मिलेंगी एयरलिंग स्टेज. और हर एक स्टेज में क्या क्या होता है, स्पॉन में आपको मालूम, हर एक स्टेज को बारे में देखेंगे. एक स्टेज में क्या है, वो एग्स है. उसके बाद हैचलिंग के बाद क्या होगा, लार्वा तैयार होगा. लार्वा तैयार होगा तो उसमें माउथ पार्ट नहीं होगा. उसके बाद क्या होगा, 1 से 2 से 3 दिन के बाद उसका स्पॉन्ज स्टेज स्टार्ट होगा. स्पॉन्ज स्टेज में क्या होगा, माउथ पार्ट स्टार्ट होगा, अपियर होना. माउथ पार्ट होने के बाद वो आउटसाइड से फीडिंग भी कर सकती है, स्मॉल जू प्लैंकटन को लेके. उसके बाद वो इंटर हो जाती है फ्राई स्टेज में. फ्राई स्टेज में 1 से 2 सेंटीमीटर तक वो बढ़ जाती है. उसके बाद
बाद हम देखी है फिंगरलिंग स्टेज, यानी कि 10 से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, या फिर रफली कहेंगे एक उंगली यानी कि हमारे फिंगर्स की साइज तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी को हम क्या करेंगे स्टॉकिंग स्टेज भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है 7 से 8 महीने तक नेक्स्ट स्टेज में यानी कि एयरलिंग स्टेज में चली जाती है। ये क्या हो गई सब की सब फिश की क्या हो गई लाइफ स्टेज हो गई। अब इस चैनल को आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो अगले लेक्चर में फिशरी का ही अगला लेक्चर लेंगे हम, फिशरी के अगला लेक्चर में अगले पॉइंट के साथ आएंगे। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।